हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो सबसे पहले विश यू मैरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर को हम लोग कहते हैं बड़ा दिन। तो आज का दिन सच में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज का पूरा दिन हम लोग बहुत कुछ करेंगे गाइस। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी बज रहा है 5:30 और अभी हम लोग निकलने वाले एक छोटा सा राइड पे ग्रुप के साथ। तो लोकेशन तो बहुत ही अमेजिंग है गाइस। आई एम श्योर आप लोग में से बहुत कम लोग जानते हैं लोकेशन के बारे में। तो जगह के हिसाब से कुछ ट्रेडिशनल पहनना चाहिए, बट बाहर तो बहुत ही ठंडे, आप लोग देख सकते हैं अभी तक लाइट भी नहीं आया है। तो एज यूजुअल शायद जीन्स ही पहनना पड़ेगा, तो देखते हैं वो बाद में। और ऑब्वियसली मैं आप सब लोग के साथ जगह का डिटेल्स शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। सो मिलते हैं। सो अभी टाइम हुआ है 6:00 एंड हम लोग निकल चुके हैं। पिकअप करना था, पिकअप कर चुके हैं हम मेघा को। बहुत दिन बाद मेघा मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए निकल चुकी है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं पॉल ऑटोमोबाइल्स, वहीं पे हम लोग का मीटअप पॉइंट है। हम लोग 6:30 जैसे हम लोग निकल जाएंगे टूवर्ड्स हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वहीं से। एंड रास्ते पर बहुत कोई वेट करेंगे हम लोगों के लिए। एंड ओरिजित दा भी आ रहे हैं, मतलब एजे फिल्म्स जो मेरे सेकेंड ब्लॉग पे था वो भी आ रहे विथ फुल गियर्स एंड ऑल। तो पहले जाते हैं फटक से ठाकुर पुकुर, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन जा रहे हैं हम लोगों के साथ, कौन कौन है, क्या क्या बाइक है, सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए एंड आप लोग शायद देख सकते हो कितने सारे फॉग है, थोड़ा थोड़ा बस कैप्चर हो रहा है फॉग। बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है ये वाला विंटर सीज़न का राइड। एक्चुअली ये विंटर सीज़न का पहला राइड है हम लोगों का। तो जाते हैं, पूरा मज़ा लेंगे हम लोग, आप लोग भी मज़ा लीजिए। टॉप बॉक्स किया जे। हाय गाइस, तो अब सब लोग का चाय वाय पीना हो गया है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप लोग को दिखा दूं, थैंक यू सो मच। गरम पानी 10 रुपया। हाँ। सो ऑलराइट गाइस, वे नाउ एट शाताकाजी पेट्रोल पंप। यहाँ पे छोटा छोटा बहुत सारा सब्सक्राइबर मिल गया, बहुत सारा फोटो लिया है हम लोगों ने। तो अभी जाते हैं, नेक्स्ट स्टॉप हम लोगों का सीधा कोलाघाट पे होगा। तो फटक से जाते बॉशो। इट्स ओके। दिस वॉज अबाउट द अवेयरनेस। तो आज 25 दिसंबर है, तो सभी को अवेयरनेस कर रहे हैं ये सब। सो फाइनली वी आर नाउ एट कोलाघाट बीच। आप लोग देख सकते हो कोलाघाट बीच पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड क्राउड तो बहुत ही क्राउड है इधर। ये देखिए ये सारे दीघा फीघा जा रहे हैं, शायद बहुत ही भीड़ है आज। तो जाते हैं गोलाघाट पे, यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और बस ज़्यादा नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा ही रुकेंगे, उसके बाद भी हम लोग निकलेंगे शायद खड़गपुर के तरफ निकलेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग बैक टू होम, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो। ये देखिए ये नारियल पानी पी रहे हैं, अकेले पी रहे हैं और सारा ग्रुप मेंबर्स हम लोगों को छोड़ के चला गया है, ये नारियल पानी पी रहे हैं।
तब से पी जा रहे खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना पियोगे? हो गया ख़त्म। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग सेकंड टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। बस अभी क्रॉस कर चुका हूँ, अभी 70 किलोमीटर जैसा बाकी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। This is so incredible. मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आया। बहुत धूप है यहाँ पर, बट जगह काफी अच्छा है। वैसे ये जगह बस दिन को घूमने आने के लिए सही है, रात को आप भूल करके भी मत आइए यहाँ पे, क्योंकि जगह डरावना भी है। रात को मत आइए गाइस, आना होगा तो सुबह आइए, शाम को मत आइए। ये जगह तो बहुत ही डरावना लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा प्लेस है और ये जगह एक्चुअली मंदिर है। ये बना था 1436 को, तो काफ़ी बहुत टाइम हो गया है। आप इस जगह को देख सकते हैं, पिकनिक स्पॉट जैसा है। एक्चुअली ये मस्जिद बनने वाला था, तो इसे तोड़ के मंदिर, फिर मस्जिद नहीं बना पाया, मंदिर ही रह गया। ये जगह रील्स बनाने के लिए तो बहुत ही परफेक्ट जगह है गाइस। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, स्पेशली इस टाइम पर, दिसंबर को, नवंबर दिसंबर को हम लोग बहुत सारा रील्स बनाए, बट यहाँ पर ड्रोन शूट अलाउ नहीं है, तो हम लोग कुछ भी वीडियोस नहीं ले पाए वैसा। तो अच्छा अच्छा फ़ोन से वीडियो लिया है, आप सब लोग को दिखाएंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। सो ऑलराइट गाइस, नाउ द टाइम इज 2:00 एंड हम लोग अभी निकल चुके हैं और टूवर्ड्स हम लोगों के घर की तरफ। और हम लोग प्लान किया है कि लंच करेंगे हम लोग सीधा कोलाघाट जाके, एंड यहाँ से शायद 2 घंटे लगेगा कोलाघाट पहुँचने में। तो जाते हैं कोलाघाट, उसके बाद हम लोग बस लंच करेंगे, उस फिर बैक टू होम। एंड डेस्टिनेशन जो था बहुत ही अच्छा ही था डेस्टिनेशन फॉर वन डे राइड। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इधर अगर आओगे तो, क्योंकि रास्ता जो है ज़्यादा ऑफ रोड टॉप रोड कुछ भी नहीं है, सिंगल लेन में पड़ेगा, लास्ट 40 किलोमीटर्स जैसा सिंगल रोड, रेस्ट ऑफ 130 किलोमीटर विल गुड रोड। सो जाते जल्दी जल्दी कोलाघाट पे, उसके बाद लंच करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा कोलाघाट पे। एंड ये हम लोगों का ये है लाइनअप, अभी सामने देख सकते हो 5.5 वर्जन 3 है एंड सिर्फ 2 बाइक है FZ25, बाकी 5.5 R15 वर्जन 3 मॉन्स्टर एडिशन एक ही है, बाकी सब डार्क नाइट है, ब्लू भी है। तो चले मिलते हैं आप लोगों से सीधा ओ कोलाघाट पे। हाय गाइस, तो अभी हम आ गए हैं लंच करने, अभी 4:30 बज रहा है और बहुत जर्नी हो गया, बहुत जर्नी हो गया, मॉर्निंग राइड था इसलिए तो मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है गाइस। वैसे घर जाने के बाद तो बहुत और भी ज़्यादा काम है जो करना है, और मैं अभी भी नहीं करूँगी, नोबल भी करेगा। तो अभी हम लोग ऑर्डर किए खाना जाने के बाद आप लोग को दिखाते हैं आज के खाने में क्या है। सी यू। आ गया हम लोग का बिरयानी है, चिकन बिरयानी है खाने में। प्लीज सर्व कर दीजिए। प्लीज सर्व कर दीजिए, थैंक यू। ओके सो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं राइड से, बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं, पर फिर भी और एक काम करने जाना है, डॉग्स को खाना देना है। पूरा एरिया हम लोग घूमेंगे, अभी खाना वाना रेडी हो गया है, तो इसके लिए हम लोग को बहुत फ्रेंड्स ने हेल्प किया है, उन लोग को थैंक यू अगेन एंड अगेन।
तो फिर से हम लोग निकल पड़ेंगे, अभी बहुत कुछ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, इसका पार्ट टू आ रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कर देना। थैंक यू।